जैक जेल का बॉस है और सालों बाद आज वो रिहा हो रहा है। गेट खोलते ही एक बड़ी परछाई सामने आती है, पर सच्चाई में जैक एक छोटा बौना आदमी है। उसका आदमी उसे लेने आता है और गेट मुंह पर ही खोल देता है। जैक उसे चंद गालियों से नवाज देता है, तेरी बीप का बीप। और आज ही जेल के बाहर आकर वो फिर चोरी करने की योजना बनाता है। एक बैग में छुपकर डायमंड स्टोर में दाखिल होता है और सबकी नजरों से बचकर बैग से बाहर निकलता है। वो हीरा चुरा भी लेता है, पर बैग में एक कुत्ता उसका साथ देने आ जाता है और उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। हीरा एक महिला के बैग में डालकर वो पुलिस से तो बच जाता है, पर अब हीरा वापस लेने के लिए वो महिला के घर जाता है, जहाँ वो एक बच्चा बनता है जिस पर कुत्ता आकर अपनी धारा प्रवाह कर देता है। महिला उसे रख लेती है और अस्पताल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर बोलता है ये कैसा बच्चा है जो शरीर पर चित्र बनवाता है और मुँह से लगता है सिगरेट का शौकीन है। इसके बाद वो जैक को घर वापस लेकर आते हैं, जहाँ बूढ़ा आदमी उसे बच्चा समझकर भिड़ जाता है, जिस पर जैक बूढ़े आदमी के बिस्किट को माल मसाला लगाकर फ्लेवर दे देता है और आदमी उसे खाकर अच्छा महसूस करता है। बूढ़ा आदमी जैक की सच्चाई जान उसे पुलिस से पकड़वाने को उसे रोकता है, पर हाथापाई में जैक उसके कुतुब मीनार को लात मारकर तोड़ देता है।